गोभी के पराठे बनाने में बहुत परेशानियां हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोभी के पराठे की एकदम ही आसान सी रेसिपी। इसमें आपको ना तो आटा गूंदना है, ना बेलना है, ना स्टफिंग करना है, और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और आप लोगों को तो पता है गोभी का पराठा का टेस्ट कितना अच्छा होता है, कितना बेहतरीन लगता है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स रेसिपी @PRIYAL। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम ही कमाल की रेसिपी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं ये गोभी। देखिए, मैंने इस गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा और फिर इसे वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद हम एक पतीले में थोड़ी सी पानी गर्म करेंगे और फिर इन गोभी को हम इसमें डाल देंगे और इसे कवर करके कुछ देर के लिए हम इसे बॉयल करेंगे। थोड़ी देर बाद अब हम गोभी को चेक कर लेते हैं कि ये बॉयल हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम इसका प्लेट को हटाएंगे और इसमें से एक गोभी निकालेंगे और फिर इसकी छोटे से टुकड़े को हम प्रेस करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से प्रेस हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये बॉयल हो चुका है, ठीक है। अब हम इंडक्शन को ऑफ़ करेंगे और फिर इन गोभी को एक प्लेट में अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इन बॉइल्ड गोभी को एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे, ठीक है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और फिर इसे मैश करने के बाद अब हम लेंगे थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोज़, इसे भी हम इसमें डालकर इसे भी अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलू और गोभी अच्छे तरीके से मैश हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक और स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे। इन सबको मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, ये रेगुलर वाला आटा जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक बैटर बना लेंगे कुछ इस तरीके का। अगर मैं कब से बताऊँ तो मुझे इसमें 2 कप पानी लगे हैं, बस थोड़ी सी पानी बच गई है 2 कप में से, इतना पानी मैंने इसमें डाला है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, इसे डालकर इसे भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। और अब हमारी बैटर देखिए पूरी तरीके से रेडी है, आपको कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी की बैटर चाहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं गोभी पराठे। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिए है थोड़े से ऑयल, इसे हम अच्छे से फैला देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे बैटर, ठीक है। बैटर को भी इसमें हम इसी तरीके से स्पून से अच्छे से फैला देंगे, देखिए इसे राउंड राउंड कर देंगे स्पैचुला के हेल्प से और फिर इसे हम सेक लेंगे। जब ये एक साइड से सेक जाए फिर हम इसे सावधानी से पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक गोभी पराठा रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी सारे बैचेस को भी बना लेंगे और फिर अब हमारा ये डिलीशियस गोभी का पराठा रेडी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा, हमने ना इसे गूंदा, ना बेला, ना स्टफिंग की, और ये आसानी से बनके रेडी हो गया। तब तक के लिए मैं चलती हूँ आपके लिए अगली रेसिपी ढूंढने। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब कुछ टेस्टी बनाऊँ तो आपके घर ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।